अब्दुल अजीज कट करें। मक्का मस्जिद के रूबरू मैं अब्दुल अजीज भाई के साथ में हूँ। अब्दुल अजीज भाई, ये बताइए कि क्या आपको लगता था कि ये असेंबली इंतखाबात में केसीआर साहब को ऐसी हार होगी? नहीं, केसीआर साहब हारेंगे तो उसकी तो उम्मीद नहीं थी जी, क्योंकि जो स्कीम उन्होंने लेके आए थे, सबसे बड़ी जो स्कीम उनके दौर में आई थी जी, शादी मुबारक स्कीम, उससे माइनॉरिटी मुस्लिम को बहुत फ़ायदा हो रहा था जी जी। और एक इसके अलावा जो है दंगे फसादा नहीं हो रहे थे, और जो है मतलब पहले रूलिंग, मतलब ये बोलना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी है केसीआर साहब की जो थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, मतलब पुलिस के अंडर में हर चीज़ था, टाइम पे हर चीज़ टाइम पे हो रही थी। लेकिन कुछ अंदरूनी ऐसे काम हुए जैसे कि जो लोग नाराज़ हुए मुसलमान, असल में क्या है, जो मुस्लिम थे उनसे वोट टूट गए, क्योंकि उन्हें जो वादे कर रहे थे 12% रिजर्वेशन देते बोले, उससे उन्हें टूट गए। और एक चीज़ जो थी कि अब उनके खुद लोग इंजाम लगाए टीआरएस पार्टी के महमूद अली साहब के ऊपर, महमूद अली साहब दीवाने बातें करें, उन्हें क्या बोल रहे थे कि भाई उस्मानी हॉस्पिटल गिरा देते बोले, ऐसे कुछ स्टेटमेंट थे, उस्मानी हॉस्पिटल गिरा देंगे दूसरा, अरे उस्मानी क्या वक्त पड़ा तो हम चारमीनार को भी गिरा देंगे बोले। थोड़े हर पार्टी कुछ ना कुछ अच्छा करती, जो अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करना, अब जो बुरा करे उसको कंडेम करना हर किसी पे लाजिम है। अब टीआरएस पार्टी के थोड़े काम थे, मस्जिदा गिरा दिए, चार पांच मस्जिदा गिरा दिए, अब उसका कुछ लोग रोडों पे निकले इसके खिलाफ एहतजाज करें, अब उन मुसलमानों को जो है भरोसे में लेने में नाकाम हो गए। उन्हों मुसलमानों को भरोसे में कई मुसलमान उनसे टूटे। यहाँ पर तो ये भी हुआ जैसा आप बोले कि मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेने में नाकाम हुए, लेकिन उसके साथ साथ तेलंगाना में जो दूसरे कम्युनिटी से उनको भी कॉन्फिडेंस में लेने में नाकाम हो गए, उनको भी भरोसे में लेने नाकाम हो गए। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ये नतीजे हैं। और पार्लियामेंट में जो बड़ा उन्होंने काम करे कि ट्रिपल तलाक का जो बिल आया उसमें साथ दिए, उसमें गायब हो गया। अच्छा, एनआरसी का जब बिल आया जब मुसलमानों के मतलब साथ देना था उसमें टाइम पे गायब हो गए, एक में साथ दिए एक में गायब हो गए। साथीज बोला आप उनको, जी उनको मोदी से जुदा नहीं कर सकते। बिल्कुल, जब आप कोई देखिए दरमियानी चाल कुछ भी नहीं हो सकती, बिल्कुल आप इधर तो भी झुकना है उधर तो भी झुकाव लेना है, सही बात। ये निकल के चले जाना, एबसेंट होना, सही बात। कोई और एक चीज़ क्या है कि टीआरएस पार्टी का जो काम था कि 12% 10 साल में ऐसा क्या तुमको रुकावट आ गई 12% रिजर्वेशन, जबकि तुम्हारे पास भारी अक्सरियत है, सही बात। तुम असेंबली में बिल लाए तो वो बिल पास होने की थी। बिल्कुल, अच्छा जो लोग जैसा राजा सिंह है जी जी, ना वक्फे से हेट स्पीचेस दे रहे हैं, खाली उनको मुसलमानों को खुश करने के वास्ते एक महीना जेल में डाले, फिर बाहर निकाल के रख दिए, अब फिर उन्होंने वही भड़काव भाषाना शुरू कर दिए, ऐसा कर देता। तो आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, हुकूमत के हाथ जिनके हाथ में रहते उन्हें क्या नहीं कर सकते, उन्होंने क्या कुछ देश के जो है अरविंद केजरीवाल ले लो आप, बिल्कुल कहाँ से कहाँ लेके चले गए, सही दिल्ली स्टेट में उन्होंने खुद जाके आए थे, केसीआर साहब खुद स्कूलों को जाके आए विजिट करे, वहाँ से सबक लेके इधर आए, फिर भी जो है स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, कितनी बड़ी बात, खत्म हो गई ना सर स्कॉलरशिप, सेंट्रल से खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म सेंट्रल से, मोदी हुकूमत जो है ये पूरी स्कॉलरशिप को खत्म कर दी, आ रही जिनको आ रही चार साल के बाद जो फर्स्ट ईयर पास करके जो, और अफसोस इस बात का है कि इंडिया में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो लोग भी जो है कोई अब तक कदम नहीं उठाए कि जान दो सेंट्रल नहीं दी तो हम देंगे, कोई स्टेट गवर्नमेंट अभी इस बारे में कुछ भी सही कर रहे हैं। अब उन्हों काम था उनका, बहुत सारी जिम्मेदारियां थे जहां पे उन्होंने चूक गए, इसलिए लोग बोले बस से कांग्रेस जो पार्टी है जी जी भाई कांग्रेस किसी और को मौका देंगे, किसी और को मौका देंगे, अब कांग्रेस अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही कांग्रेस जो है। हालांकि एक बहुत बड़ा सवाल था तेलंगाना में कि केसीआर नहीं तो कौन, सही बात ये सवाल था, सही बात। लेकिन देखिए ना कि ये जमहूरियत है, यहाँ हम में से ही एक आदमी उठ के आएगा, जमहूरियत में आवाम बादशाह रहे, हाँ वही एक आदमी हम में से ही उठ के आएगा और उसका मुकाबला करेगा, बिल्कुल। और आज भी सवाल ये है कि मोदी नहीं तो कौन, लेकिन उम्मीद जरूर है कि हम में से ही और कोई हिंदुस्तान के बिल्कुल लोगों करोड़ों की आबादी में से कोई एक उठ के आएगा और मोदी को जवाब देगा, लोगों को मुत्तहिद होना पड़ता है, बिल्कुल। मेरे ख्याल में मोदी साहब को हराना है तो दो चीज़ों को बाइकॉट करना जरूरी है। अच्छा क्या है? एक ये है कि ईवीएम को बाइकॉट करना और अच्छा। दूसरा मीडिया का बाइकॉट करना, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हाँ जी मेन स्ट्रीम, ये लोग जो है ना इतना चाटुकारी कर रहे हैं, मोदी साहब सही सही जहाँ जा रहे हैं उनके पीछे जा रहे हैं, उनके अम्मी से मिल रहे हैं तो भी जाके कैमरा लेके जा रहे हैं, अरे मोदी साहब की तो मार्केटिंग में तो इतना जो है मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया, इतने बड़े बड़े चैनल है, ये जो अभी गठबंधन बना तेलंगाना, ये कांग्रेस इंडिया जो गठबंधन बना,
मैं उनको अगर मेरी आवाज़ जाती तो वहाँ तक जी जी। मेरा मशवरा उनको ये है जी कि आप अगर अलायंस लेके आए पूरे पार्टियाँ मुतहद होकर मोदी साहब के खिलाफ काम करना चाह रहे हैं, दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो EVM का बाइकआउट कराना आप लोग सब मिल के। भाई अगर मोदी साहब को अगर वाकई में लोग इतनी मोहब्बत करते तो आप डर रहे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। सही बिल्कुल पुराना जो अरे जहाँ से नहीं, इसका मतलब ये है कि मशीन पे हमको भरोसा नहीं है, मशीन पे भरोसा नहीं है हमारे, क्या जहाँ से मशीन आई जर्मन वगैरह उन्होंने खुद मशीन के ऊपर बैन लगा दिए, जर्मन फ्रांस मशीन से धोखा हो सकता है, मशीन से धोखा हो सकता है, जहाँ से बड़े बड़े जो कंट्रियाँ इंग्लिश कंट्रियाँ डेवलप कंट्रियाँ वो लोग भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे, हटा दिए लोग। सही सही तो EVM को हटाना और ये मीडिया के होश ठिकाने लाना, मीडिया जो है ना राम मंदिर इतने काम हो रहे हैं, 4 महीने हो गए 3 महीने हो गए मणिपुर पे कुछ भी नहीं बोले, नहीं बोल रहे, अब बोल रहे हैं राम मंदिर बनने वाला है, राम मंदिर बनने वाला है, इतना चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, 20 जनवरी को इनाग्रेशन है, इतना चीख रहे हैं जैसा कि आप उनको मेन मजबूत एजेंडा यही है। सही 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 मजबूत एजेंडा यही है। और KCR साहब जो है ना उनकी गोद में जाके बैठ गए, घर जाके बैठ गए, घर जाके बैठ गए, घर नहीं आप तो घर जाके बैठ गए, अरे आप तेलंगाना में जाना, आप आके जो है भरोसे में फिर आप खाली बातें कर रहे हैं कि बीजेपी के अभी, लोग ऐसा है। अभी जो मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट है जी, तो आप इनसे क्या चाहते हैं अभी ये मैदान में है? अब मैं सबसे पहले बात तो कांग्रेस को ये मशवरा देता हूँ कि आप अपने जो बड़े गलती करे अच्छा आप उसको सुधारना। अच्छा किस कैसे मिसाल के तौर पर? बड़े बड़े जो लीडर है कांग्रेस के सीनियर लीडर पूरे छोड़ के चले गए पार्टी, पार्टी छोड़ के चले गए। सही जैसे कपिल सिब्बल है अपने पी चिदम्बरम इला दिख रहे ही नहीं, सही सही खाली राहुल गांधी दिखते रहते हैं, और आपके क्या नाम गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद है पूरे पार्टी छोड़ के भाग गए। अब देखो आप राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, ये मुद्दा लंबा चला कांग्रेस की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर पूरा मतलब 17 लोग एक केस डाल दो वो लोग जो है ना मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस का जो सिस्टम है वो ख़राब हुआ वो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस जहाँ बहुत कुछ आबाद करी वह कांग्रेस की वजह से बहुत कुछ बर्बाद भी हुआ, 30 साल तक इतना लंबा चला मुद्दा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी पे सरदार पटेल बैन लगाए थे RSS पे, RSS आज पूरे मुल्क पे हुकूमत कर रही है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर उसी वक्त 40 साल 50 साल पहले जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर को मतलब नफरत फैला रहे थे उसी वक्त पकड़ के जेल में डाल देते ये क्या तुम ना कर रहे हैं जाके जो है, तो उसी वक्त ख़त्म हो जाता, ये बात यहाँ तक आई नहीं थी, आती नहीं थी, किसको मालूम था 1970 तक बताओ, 1980 तक किसको मालूम था राम मस्जिद क्या है, राम मंदिर क्या है, बाबरी मस्जिद क्या है, ये मुद्दा इतना तूल इतना तूल पकड़ा हुआ कांग्रेस की वजह से, तो लिहाजा अपन तो ये चाह रहे हैं उनकी नाकामी हो, नाकामी है वो। अब अच्छा उसको पिकअप करके मोदी जी क्या करें मालूम, हम मनाए उसको क्या सियासत दिला कर रहे हैं, आप उसी वक्त 40-50 साल पहले मुद्दे को ख़त्म कर देते। मान लो अगर मैं किसी मंदिर के पास जाके अल्लाह अकबर बोला तो लोग क्या करते, पुलिस आती गर्दन पे हाथ दे दी, और मारना भी ज़रूरी है जो माहौल की फिजा को ख़राब कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होना। अब 40-50 साल पहले लोग घुसे चोरों की तरह मस्जिद में घुसे उसकी मूर्तियाँ रख दिए सब कर दिए, तो ये जो बाबरी मस्जिद का खासकर जो लेके वो जो रिपोर्ट है श्री कृष्ण कमेटी रिपोर्ट उसमें तक ये बात लिखी हुई है कि सबसे बड़ा मुजरिम बाबरी मस्जिद का बाल ठाकरे, दूसरा मुजरिम कौन है, खुद वहाँ की गवर्नमेंट। जी 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 खुद वहाँ की गवर्नमेंट, ये खुद रिपोर्ट में बाजाबता दर्ज है इसके अंदर। तो अपन ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस अपनी गलतियों को सुधारना, गलतियों को सुधार देकर जब गलतियों को एहसास होता जब मानते, अब जब तक गलतियों का अपने एहसास नहीं होता आप खाली 2-4 स्टेट में बची हुई है कांग्रेस, जब तक आप अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, नादिम नहीं, एहसास नहीं होगा इंसान का। 2024 में क्या होगा पार्लियामेंट इलेक्शन में? 2024 में तो हमारे को तो दिखता जब तक EVM का कुछ नहीं होगा और ये मीडिया का जब तक ठिकाने नहीं लगाते, मेरे हिसाब से तो मोदी जी आते आपके। ऐसा होगा? बिल्कुल कोई चांसेस नहीं दिख रहा, चांसेस नहीं है तब्दील के। जैसे तेलंगाना में तब्दीली आई है, तेलंगाना में तब्दीली आई, लेकिन अब देखो आप जीत गए नो, ये आपके राजस्थान जीते, छत्तीसगढ़ जीते, लोग बीजेपी बीजेपी जीते और यूपी में तो जीते हुए हैं। परसों नागपुर में जो जी कांग्रेस का फाउंडेशन डे मनाया गया जी, तो वहाँ रेवंत रेड्डी ने बढ़िया जोर से कहा कि बीजेपी को एड्रेस लेकुंडा चेसामु साउथ लो जी, कर्नाटक जीतने के बाद तेलंगाना जीते, फिर अब महाराष्ट्र जीतेंगे। सही, तो क्या ऐसा कुछ चांसेस है कि नहीं इन्हों जीते 2024 में भी कुछ बड़ी तब्दीली आए? नहीं बीजेपी क्या है मालूम, इलेक्शन हारती जानबूझ के हारती। अच्छा नहीं नहीं, सेंट्रल लेवल पे अगर बात करें, सेंट्रल लेवल हुई 2024 में जो बीजेपी जो हारती ना सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल पे बीजेपी हारती, महाराष्ट्र में भी हारती, क्योंकि इसको मालूम है EVM अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम जीतते डेफिनेटली, क्योंकि उन लोगों आप पूरी जिम्मेदारी जो है मतलब या पूरा इल्जाम जो है EVM पे डाल दे रहे, EVM पे डाल, ये सब घोटाला हो रहा, आपको भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं EVM के। अच्छा भाई अगर वैसे भी अगर बीजेपी जीतना है
अगर आप कोई भी जीतो, बात बीजेपी की नहीं है, कोई भी जीतो, कोई भी जीतो, तो आप ये चाह रहे कि बैलेट से होना, बैलेट से चुनाव होना, बैलेट से होना। इसके ऊपर क्योंकि पुराना तरीका वही है। अच्छा, बीजेपी का खुद मिनिस्टर एक उसके ऊपर किताब लिखे थे 2009 में जब कांग्रेस दोबारा जीती थी, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने कापी लिखे थे। क्या बोल गए कि ये ईवीएम की जो धांधलियाँ होती, जो करप्शन होता है ईवीएम में, बीजेपी खुद मिनिस्टर 2009 में कापी लिखे थे, बुक लिखे थे ईवीएम के खिलाफ। आज बीजेपी खुद ईवीएम को बढ़ावा दे रही है। तो बीजेपी जानबूझ के दो चार स्टेट हारती है ताकि लोग ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाना। अच्छा अच्छा, ऐसा है, लोग ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाना बल्कि दो चार स्टेट हारती है। तो अगर आपको लग रहा है कि 2024 में मोदी जी आते, 90% मेरे को तो यही चांसेस है, ऐसा शायद बोल सकते हैं। लेकिन ईवीएम के खिलाफ कुछ काम नहीं हो रहा, मीडिया ऐसा तो नहीं जैसे कि आपको लगता था कि केसीआर साहब नहीं हारेंगे और केसीआर साहब हार गए और आपको लग रहा कि मोदी जी नहीं हारेंगे लेकिन फिर मोदी जी हार जाएंगे। नहीं, स्टेट लेवल की बात अलग है साहब, वहाँ पे बीजेपी जो मार्केटिंग करती है ना, मतलब जितना करोड़ रुपए जो खर्चा होता यहाँ पे तो एक हो गया हो, लेकिन नेशनल जो मोदी जी का मसला वेट एंड वॉच है, वेट एंड वॉच 2024 के भी इलेक्शन करीब है, चांसेस तो उनके ही है, 2024 के इलेक्शंस भी उनके ही करीब ही है। चलिए शुक्रिया, अब की बार 300 पार जो कर रहे हैं ना, ठीक है, चांसेस तो उनके ही है। ऐसा क्योंकि मोदी जी को हराना है तो उनके लेवल में या तो यूनिटी से हरा सकते हैं, बीजेपी का जो जहर है बढ़ते जा रहा, सही सही, उसको जो है ना अगर रोकना है बोल तो मुत्तहिद होके पूरे शेरवानी आपने असद साहब एमआईएम पूरे मिलके रोकना पड़ता है। चलिए इंशाल्लाह, अच्छे नतीजे आए, शुक्रिया, इंशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह।